देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामले में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 15 दिसंबर 2015 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 55 नए मामले आए, मौत एक हुई और 48 लोगों की रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामले 555 है। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 552 नए मामले सामने आए, 554 लोग रिकवर हुए, 10 लोगों की कोरोना से मौत हुई, सक्रिय मामलों की संख्या 7,505। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 19 नए कोविड मामले आए, 21 लोग रिकवर हुए, 1 की मौत दर्ज की गई, सक्रिय मामले 343। नंबर चार, हरियाणा में आज 23 नए कोरोना मामले सामने आए, 35 लोग रिकवर हुए, 2 की मौतें दर्ज की गई, सक्रिय मामले 228। नंबर पांच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 210 नए मामले सामने आए, 213 लोगों की रिकवरी हुई, 1 की मौत हुई, सक्रिय मामले 3833। नंबर छह, असम में कोरोना वायरस के 141 मामले सामने आए, 110 लोग रिकवर हुए, 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई, राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 2469। नंबर सात, कर्नाटक में आज कोरोना वायरस के 263 नए मामले सामने आए, 327 मरीज ठीक हुए, 7 लोगों की मौत दर्ज की गई, राज्य में कुल सक्रिय मामले 7,194 है। नंबर आठ, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 16 नए कोरोना मामले सामने आए, 17 लोग रिकवर हुए, किसी की भी मौत नहीं हुई, वहीं सक्रिय मामले 138 है। नंबर नौ, तमिलनाडु में आज कोरोना के 650 मामले सामने आए, 695 लोग ठीक हुए, 9 लोगों की मौत हुई, तमिलनाडु में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 7,611 है। नंबर 10, पुडुचेरी में आज 24 नए कोरोना के मामले सामने आए, 29 लोग रिकवर हुए, 1 की मौत हुई, सक्रिय मामलों की संख्या 177। गोवा में कोरोना के 44 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए, कोरोना से 36 लोग ठीक हुए, 1 की मौत हुई, सक्रिय मामले 390। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 132 नए मामले सामने आए, इस दौरान 186 लोग डिस्चार्ज हुए, 1 लोगों की मृत्यु हुई, सक्रिय मामलों की संख्या 1823 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 24 नए मामले सामने आए, इस दौरान 13 लोग डिस्चार्ज हुए, 0 लोगों की मौत हुई, सक्रिय मामले 270 रह गए। नंबर 14, केरल में कोरोना संक्रमण के 3,377 मामले सामने आए, 4,073 लोगों की रिकवरी हुई, 174 लोगों की मौत हुई, सक्रिय मामलों की संख्या 36,071 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 18 नए मामले सामने आए, किसी की भी मौत नहीं हुई, 14 लोग ठीक हुए, यहां पर सक्रिय मामले 164 है। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 15 नए मामले सामने आए, 13 लोग ठीक हुए, कोरोना से 1 की मौत हुई, सक्रिय मामले 122। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 41 नए मामले सामने, 105 लोग डिस्चार्ज हुए, 2 लोगों की मौत हुई, सक्रिय मामलों की संख्या 520। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए मामले सामने, इस दौरान 21 लोग डिस्चार्ज हुए, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 316 है। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 16 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, 8 लोग ठीक हुए, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, सक्रिय मामले 93 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 175 नए मामले सामने आए, इस दौरान 192 लोग डिस्चार्ज हुए, 1 लोगों की मृत्यु हुई, सक्रिय मामले 1,762। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 5 नए मामले सामने, इस दौरान 7 लोग डिस्चार्ज हुए, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 77 है। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 684 नए मामले सामने आए, 686 लोग रिकवर हुए, 24 लोगों की मौत हुई, सक्रिय मामले 10,160 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 20 नए कोरोना के मामले सामने आए, 24 लोग डिस्चार्ज हुए, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, एक्टिव मामले 151। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 45 नए मामले सामने आए, 31 लोग रिकवर हुए, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, सक्रिय मामलों की संख्या 407। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1 नए मामले सामने आए, इस दौरान 2 लोगों डिस्चार्ज हुए, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, सक्रिय मामलों की संख्या 34 है। नंबर 36, छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के सिर्फ 6 मामले सामने आए, इस दौरान 3 लोग डिस्चार्ज हुए, यहां पर किसी की भी मृत्यु नहीं हुई और सक्रिय मामले 74 है। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 134 नए मामले सामने आए, 147 लोग रिकवर हुए, 2 मौत दर्ज की गई, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,427 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने, इस दौरान 73 लोग डिस्चार्ज हुए, 1 की मौत हुई, सक्रिय मामले 138। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 234 नए मामले सामने, इस दौरान 412 लोग डिस्चार्ज हुए और 2 लोगों की मृत्यु हुई, सक्रिय मामलों की संख्या 2,678। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे के कोरोना केस की रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्यों की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।